ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जैसे कि सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना, तो इन सभी का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का इस्तेमाल हम करते हैं, इन शॉर्ट जो है वो इसे आसान भाषा में हम अस्थमा भी कहते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की सांसें फूल रही है, सांसें थम रही है, सांसें रुक रही है, तो ये अस्थमा के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लक्षण मिल रही है, अस्थमा नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में किन दवाइयों का इस्तेमाल करके हम इसका इलाज कर सकते हैं, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्थमा के दवाइयों के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा अस्थमा क्या होता है, क्या क्या लक्षण अस्थमा के देखे जाते हैं, उसी के साथ साथ किन कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति को जो है वो अस्थमा होता है, और जिन भी व्यक्ति को सांसें फूलना, सांसें थमना एवं सांसें रुकने की समस्या है, तो उस कंडीशन में भी इन्हीं सभी दवाइयों का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको अस्थमा के बारे में डिटेल में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सांसें फूलना, सांसें थमना एवं सांसें रुकने की जो समस्या होती है वो अस्थमा के लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, अस्थमा के लक्षण होते हैं, तो ऑफकोर्स आपको अस्थमा के बारे में भी डिटेल में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए समझते हैं अस्थमा क्या होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख रखा है, उसी के साथ साथ हिंदी में भी डिफिनेशन लिख रखा है, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। वहीं पर अस्थमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के वायुमार्ग में सूजन एवं संकीर्णता आ जाती है और अतिरिक्त वलगम उत्पन्न होता है, जिसमें सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा कि सांस लेने में कैसे दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि नॉर्मल लंग एक्चुअल में कैसी होती है, वहीं पर एस्थमेटिक लंग जो होता है वो कैसा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा हो गया वो एयर वे हो गया। ठीक है, एयर वे कहने का मतलब कि सांस लेने की नली, वहीं पे नॉर्मल लंग की मसल्स जो होती है वो रिलैक्स्ड होती है, बाकी एस्थमेटिक लंग की मसल्स जो होती है वो टाइटनेस होती है। टाइटनेस कहने का मतलब सख्त पन आ जाना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कठोरता, ठोस हो जाना। फिर नॉर्मल लाइनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, एयर वे के बॉर्डर पे जो है वो लाइनिंग कैसा होता है, नॉर्मल सा होता है नॉर्मल लंग में। ठीक है, जो हेल्दी लंग है, वहीं पर इसमें अस्थमेटिक लंग में जो है वो स्वेलिन लाइनिंग होता है। स्वेलिन कहने का मतलब सूजन आ जाना। ऑफकोर्स जब एयर वे में सूजन आ जाएगी तो उसकी जो होल होती है, स्पेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज होगी, जिस वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आएगी, परेशानी आएगी। फिर नॉर्मल लंग में हमारे को नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस मिलता है। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम ही नॉर्मल अमाउंट में जो है वो म्यूकस यहाँ पे भरा हुआ है। पर अगर हम अस्थमेटिक लंग्स के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस जो है वो अस्थमेटिक लंग में भरा हुआ है, जिस वजह से एयरवेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है। कौन कौन सी चीज़ों से, तो स्वेलिंग आ गई है। ठीक है, एयरवेज में उसी के साथ साथ म्यूकस काफ़ी ज़्यादा भर गई है, जिस वजह से यहाँ पे जो सांस लेने की नली होती है, छेद होती है, वो काफ़ी छोटी पड़ गई है, तो सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है अस्थमेटिक लंग में। पर नॉर्मल लंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सांस लेने की जो नली है, छेद है, वो काफ़ी ज़्यादा है, क्लियरली है, तो यहाँ पर नॉर्मल लंग में कोई भी दिक्कत नहीं होती है,
सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, पर अस्थमेटिक पेशेंट का जो लंग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें स्वीलिंग आ जाती है एवं म्यूकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, जिस वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकने का प्रॉब्लम है तो उनका लंग्स जो है वो कैसा हो सकता है। ठीक है, उनके लंग्स में भी म्यूकस जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है एवं सूजन आ जाती है, तो उन्हें कम करने के लिए आगे दवाइयों के बारे में भी जो है वो मैंने बता रखा है। चलिए हम यहाँ पर समझते हैं एक और एग्जाम्पल से, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में जो नॉर्मल लंग होती है वो कैसी होती है और अस्थमेटिक लंग जो होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल लंग कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो कि क्लियर है एकदम, इसमें छेद यानी कि होल भी काफ़ी ज़्यादा है, सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पे अस्थमेटिक लंग जो होता है, एयरवेज होता है, ठीक है, सांस लेने की नली, उसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूकस जो है वो भरा हुआ है, जिस वजह से हमारे को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ परेशानियाँ जो है वो आएंगी, जिस वजह से सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकने की प्रॉब्लम देखी जाती है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कॉमन काउज ऑफ अस्थमा, यानी कि अस्थमा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से भी जो है वो अस्थमा हो सकती है। फिर आती है स्मोकिंग, काफ़ी ज़्यादा स्मोक कर रहे हो तो अस्थमा होने के चांसेस हैं। फिर हमारा आता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बैक्टीरिया एंड वायरस की वजह से जेनेटिक, जेनेटिक कहने का मतलब कि अगर आपको अस्थमा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पापा को भी अस्थमा हुआ हो, उसके बाद फिर से आपके दादाजी को भी अस्थमा था, तो उस कंडीशन में जेनेटिक वाइज क्या होता है कि आपके दादाजी को जो प्रॉब्लम है वो आपके पापा को होगा, और फिर जो आपके पापा को प्रॉब्लम है वो आपको भी होगा, और फिर आपको जो प्रॉब्लम है यानी कि अस्थमा, वो फिर आपके बच्चों में भी जो है वो देखे जा सकते हैं। तो जेनेटिक में क्या होता है ना कि यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो प्रॉब्लम सभी को देखने के लिए मिलती रहती है जीन्स की वजह से, ठीक है। फिर हमारा आता है पेट्स, मतलब कि कुत्ते वुत्ते हो गए, ठीक है, उनकी वजह से, उनके संपर्क में आने की वजह से भी आपको जो है वो अस्थमा हो सकती है। हाउसहोल्ड केमिकल, हाउसहोल्ड केमिकल्स कहने का मतलब कि हम जो भी डेली वेज में खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है ना केमिकल्स अगर अधिक मात्रा में देखे जाते हैं, जैसे कि मसाले हो गए, उसके बाद और भी काफ़ी ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसमें केमिकल्स मिलती है या मिलाकर बनाई जाती है, तो उसमें अगर अधिक मात्रा में केमिकल्स यूज़ की जा रही तो उस कंडीशन में भी अस्थमा हो सकती है। फिर आता है डस्ट, यानी कि धूल व गर्दों की वजह से भी जो है वो अस्थमा हो सकती है। तो ये सभी कारण्स हैं जिनकी वजह से अस्थमा जो है वो कॉमनली देखी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, किसी भी व्यक्ति को अस्थमा हो गई है तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं। तो वीजिंग, मतलब कि घरघराहट टाइप की फील होना, सांसें लेने में दिक्कत होना, परेशानियाँ आना, फिर होता है कफिंग, काफ़ी ज़्यादा वलगम वाली खांसी होना, फिर हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें थमना, सांसें रुकना, ठीक है, सांसें फूलना, टैकीकार्डिया, हार्ट बीट का बढ़ जाना। नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट कितनी होती है तो 70 से लेके 100 बीट पर मिनट होती है, ठीक है, पर यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा देखी जाती तो उस कंडीशन में हार्ट बीट जो है ना वो 100 बीट पर मिनट से अधिक जो है वो हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, ये इसके लक्षण देखे जाते हैं। अगला लक्षण डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब कि सांस लेने में परेशानी आना, सांसें थमना, सांसें फूलना, सांसें रुकना। फिर आता है पेल एंड वेट स्किन, पीली और गीली त्वचा, ठीक है। फिर आता है डिस्पेनिया, डिस्पेनिया कहने का मतलब कि सांस लेने में कष्ट होना, सांस लेने में दिक्कत होना, और उसके बाद चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस का मतलब क्या होता है तो सीने का सख्त बन जाना, कठोर बन जाना, ठीक है। तो ये सिम्टम्स बेसिकली अस्थमा के कंडीशन में देखे जाते हैं। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान तरीके से समझिए तो देखिए यहाँ पर ये होता है ना कफिंग वाली फीलिंग आना, मतलब कि बलगम वाली खांसी होना, सांसें फूलना, सांसें थमना,
वहाँ से रुकना, ठीक है। स्किन का गीला पड़ जाना एवं पीली स्किन पड़ जाना, ये इसके कॉमनली सिम्टम्स जो है ना वो अस्थमा के देखे जाते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति को एक्यूट अस्थमा अटैक आती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इसमें पेशेंट को तुरंत रिलीफ कराना होता है। यहाँ शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट मेडिसिन का यूज किया जाता है, जैसे कि सल्बुटामोल रेसेमिक मिक्सचर जो कि लिवो प्लस डेक्स्ट्रो दोनों का मिक्सचर होता है। सल्बुटामोल में किसका मिक्सचर होता है, तो लिवो एंड डेक्स्ट्रो दोनों का मिक्सचर होता है, जो कि हमारा क्या बनता है, तो लिवो सल्बुटामोल बनता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्यूट अस्थमा अटैक आया तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन हम देते हैं और कौन सी मेडिसिन सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है, तो लिवो सल्बुटामोल, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिवो फ्रॉम मोर पोटेंट, और इसका सल्बुटामोल से कम साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, समझ रहे हैं आप। अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को एक्यूट अस्थमा अटैक आया है तो उस कंडीशन में सल्बुटामोल देने की वजह लिवो सल्बुटामोल हम क्यों देते हैं, तो लिवो जो होता है वो काफी ज्यादा पोटेंट होता है, स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सल्बुटामोल, ठीक है। और लिवो सल्बुटामोल के साइड इफेक्ट जो है वो कम देखने के लिए मिल सकता है अगर हम सल्बुटामोल के कंपैरिजन में बात करें तो। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकने की समस्या है तो इन दवाइयों का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा सलाह जरूर से ज़रूर ले लीजिएगा। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी आती है एस्थिलीन इन्हेलर, जिसमें सल्बुटामोल पाया जाता है और इसका यूज़ अस्थमा में हम करते हैं, यानी कि दमा। फिर से आता है हमारा COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये जो होता है ना वो एक सांस लेने वाली ही प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, ठीक है। ये COPD में भी जो है ना वो सांस लेने में दिक्कत परेशानी होती है। और दोस्तों 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये इन्हेलर जो है वो नहीं लगाया जाता है। 4 साल से अधिक के बच्चों को ये मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मेडिसिन हमारी लिवोलिन इन्हेलर है, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो लिवो सल्बुटामोल पाया जाता है, जिसका यूज़ अस्थमा, दमा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में करते हैं। यह सांस की नली को क्या करता है, रिलैक्स करके डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से हम सांस जो है वो काफ़ी आसान तरीके से ले पाते, क्लियरली सांस ले पाते हैं। लिवो सल्बुटामोल ड्रग हमारा क्या काम करता है, तो सांस की नली को ये क्या करता है, रिलैक्स करता है, जिस वजह से हम काफ़ी अच्छे तरीके से सांस ले पाते हैं। देखिए अस्थमा के कंडीशन में या फिर से सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना, उस कंडीशन में जो है वो इन्हेलर मेडिसिन का ही हम यूज़ करते हैं। दवाइयों के बारे में भी बात करेंगे आगे, इंजेक्शन के बारे में भी बात करने वाले हैं, किस कंडीशन में हम दवाइयों का या फिर से इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो भी हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ब्यूडोकॉर्ट इन्हेलर है, जिसमें ब्यूडोसोनाइड पाया जाता है और इसका यूज़ अस्थमा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में किया जाता है। यह सांस की नली को क्या करता है, रिलैक्स करके डायलेट कर देता है, जिस वजह से हम जो है वो सांस काफ़ी आसान तरीके से ले पाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन डियोलाइन है और ये मेडिसिन जो है वो सैचेट में आती है। वहीं पे बात करें कि एक्चुअल में इस मेडिसिन में क्या पाया जाता है, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और लिवो सल्बुटामोल जो है वो इस मेडिसिन में पाया जाता है और इसे सॉल्यूशन फॉर्म में बनाकर जो है वो हम पेशेंट को लगाते हैं। बाकी दोस्तों इसका यूज़ अस्थमा यानी कि दमा, फिर से COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन क्या होती है, तो ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है। अब बात आती है कि एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है, तो देखिए एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, विरुद्ध, और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन।
ठीक है, सूजन के अगेंस्ट, सूजन के विरुद्ध कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि काम करती है, ठीक है, उससे ही हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अस्थमा हो गया या फिर से सांसें थमना, सांसें फूलना, सांसें रुकने की समस्या है, तो उस कंडीशन में हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का यूज़ क्यों करेंगे, तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्लियर कर रखा है, पर मैं आपको एक्जैक्टली काफ़ी अच्छी तरीके से फिर से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। देखिए किसी भी व्यक्ति की जो नॉर्मल लंग होती, जिन्हें अस्थमा नहीं हो रखा है, जिन्हें सांसें फूलना, सांसें थमने की प्रॉब्लम समस्या नहीं है, तो उनका लंग जो होता है वो कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से उनका लंग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एयरवे जो है, सांस लेने की नली, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, होल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ म्यूकस जो है वो भी नॉर्मल है, लाइनिंग भी काफ़ी नॉर्मल है, समझ रहे हैं ना आप, तो सांस लेने में कोई भी कठिनाइयाँ बिल्कुल भी नहीं आती है नॉर्मल पर्सन के लंग्स में, जो एयरवे होती है सांस लेने की नली। पर जिन भी लोगों को यहाँ पे सांसें फूलने की प्रॉब्लम है, सांसें थमना, सांसें रुकना एवं अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उनका लंग्स जो है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें म्यूकस काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ होता है एवं स्वेलिंग आई हुई होती है, सूजन आया हुआ होता है, जिस वजह से सांस लेने की जो नली होती है, होल होती है, छेद होती है, वो काफ़ी छोटी पड़ जाती है, जिसके कारण हम यहाँ पे सांस आसानी तरीके से नहीं ले पाते, काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, जिस वजह से हम इनहेलर का यूज़ करते हैं, दवाइयों का यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस म्यूकस एवं सूजन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि सांस लेने की नली में सूजन कॉमा इन्फ्लामेशन या म्यूकस जम जाता है तो इसको यह काटती है। कौन सी मेडिसिन काटती है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जो है वो सूजन एवं म्यूकस को काटती है, ताकि यहाँ पे सांस लेने की नली जो हो सके वो साफ़ हो सके, क्लियर हो सके, होल छेद जो है वो बड़ी हो सके, जिस वजह से हम सांस काफ़ी आसानी तरीके से ले सके, ठीक है। दोस्तों हम डिटेल में समझते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिंस के बारे में, कौन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिंस जो है वो हम अस्थमा के कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन, और ये हाइड्रोकॉर्ट नाम से काफ़ी ज़्यादा बिकता है, वैसे ही अलग अलग नाम से आपको जो है वो मेडिसिन मिल जाएगी, पर उसका साल्ट नेम आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन ही मिलने वाला है, जिसका यूज़ अस्थमा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, बाकी इसका यूज जो है वो इन्फ्लामेशन को कम करने में, ठीक है, सूजन या फिर से वलगम आ गई है, म्यूकस भर गया है, तो उसे कम करने में जो है वो इसमें इंजेक्शन का यूज किया जाता है, ताकि यहाँ पे सांस लेने की जो नली होती है उसमें सूजन कम होने पर, वलगम कम होने पर सांस जो है वो काफी अच्छे तरीके से हम ले सकें। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन प्रीडेनिसोन टैबलेट है, और इसका यूज जो है वो हम अस्थमा, दमा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में करते हैं, बाकी इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। वहीं पर इसका डोज 5 mg से लेकर 60 mg इनर डे दिया जाता है। इनर डे कहने का मतलब एक दिन में एक बार, कितने mg से लेकर कितने mg तक, तो 5 से लेकर 60 mg तक जो है वो प्रीडेनिसोन टैबलेट जो है वो एक दिन में दे सकते हैं। बाकी इस मेडिसिन का ड्यूरेशन जो है वो कितने आवर तक रहता है, हमारे शरीर में इस मेडिसिन का असर 12 से लेकर 36 घंटों तक जो है वो हमारे शरीर में इस दवा का ड्यूरेशन या असर जो है वो रहता है, समझ रहे हैं आप। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में, जो कि डेक्सोमेथासोन टैबलेट है, और ये डेक्सोना नाम से काफ़ी ज़्यादा बिकती है, वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ नाम यहाँ पे अलग अलग मिल सकती, पर साल्ट नेम जो है वो सभी के सेम मिलने वाले, जो कि डेक्सोमेथासोन टैबलेट है, और इसका यूज़ अस्थमा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे सांसें फूलना, सांसें थमना या सांसें रुकने की प्रॉब्लम है, तो उसमें इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, पर आपको अपने डॉक्टर के कंसर्न से ही इस मेडिसिन का यूज करना है, ठीक है। और डेक्सोमेथासोन क्या करता है, तो इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करता है एवं म्यूकस जो भर गए हैं, ठीक है, वलगम आ गई है, तो उससे भी काफी हद तक कम करने में ये मदद करता है।
है। वहीं पे इसके डोज के बारे में बात करें तो 0.3 mg से लेके 0.6 mg इनर डे बाई kg कैलकुलेट करके दिया जाता है। एक व्यक्ति जितने भी kg का होगा उससे 0.3 से लेके 0.6 के बीच का नंबर ले लीजिएगा, देन फिर उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट हमारा बनेगा उतने mg जो है उसे एक दिन में एक बार देनी है। बाकी इस दवाई का असर जो है वो 36 घंटों से लेके 72 घंटों तक रहता है, ठीक है। डेक्सोमेथासोन टैबलेट का असर कितने आवर तक रहता है, तो 36 घंटों से लेके 72 आवर तक जो है वो इस मेडिसिन का असर जो है वो हमारे बॉडी में रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी डेरीफाइलिन इंजेक्शन है। दोस्तों उससे पहले अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर इससे प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। अगली इंजेक्शन हमारी डेरीफाइलिन इंजेक्शन है जिसमें इटोफाइलिन एंथियोफाइलिन पाई जाती है। वहीं पे इसका यूज अस्थमा सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में करते हैं। क्यों करते हैं, तो इन्फ्लामेशन या वलगम आ गई है तो उसे कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसका डोज 2 ml दिया जाता है। देखिए एक वाइल डेरीफाइलिन का 2 ml में ऑलरेडी आता है, तो एक वाइल अगर आप यहाँ पे किसी भी पेशेंट को देते हैं देन फिर आपको सेकेंड डोज डेरीफाइलिन ही देना है, तो कम से कम आपको 6 से लेके 8 आवर के गैप में ही देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी डेरीफाइलिन इंजेक्शन पेशेंट को दिया देन फिर सेकेंड डोज डेरीफाइलिन का 1 आवर 2 आवर 3 आवर के बाद दे रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मिनिमम जो है वो आपको 6 से लेके 8 आवर के गैप पर ही डेरीफाइलिन इंजेक्शन का सेकेंड डोज देना है। उससे पहले अगर आप देते हैं तो काफी खतरनाक साइड इफेक्ट जो है वो देखा जा सकता है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना में इन सभी दवाइयों का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा असरदार दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इन दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज करना है। अगर आप खुद से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।